स्टैंडर्ड का साइंस टू का आईएमपी लेके आ चुका हूँ। नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस वन के जो आईएमपी ने आग लगाई थी ना, सबको पता होगा, एनालिसिस करके बताया था 95% के ऊपर पूरा का पूरा पेपर उस आईएमपी से आया था। उसी तरीके से नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस टू का आईएमपी लेके आ चुका हूँ, पक्का पूरा का पूरा ये आईएमपी कर लो। लेक्चर के एंड में कुछ बातें बताऊंगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है, तो फटाफट इस आईएमपी को टिक मार्क कर लो। कल के एग्जाम के पहले इतना तो कम से कम करके जाना, अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो। सबसे पहला ये वाला चार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा चार्ट करके जाना। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोले मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके सेल का न्यूक्लियस पूरी तरह से, या यू कैन से दैट द सेल इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप। यूकैरियोटिक सेल पूरा डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर मोनेरा, यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल वाला, यूकैरियोटिक के अंदर मल्टीसेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल वाले, यूनिसेल्यूलर के अंदर प्रोटिस्टा, मल्टीसेल्यूलर के अंदर सेल वॉल वाले। ध्यान रखना सेल वॉल वाले कौन कौन से होते हैं, प्लांटिया और फंगाई, और विदाउट सेल वाले कौन से होते हैं, एनिमिलिया। मतलब इनके सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनके सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये करके जाना। 1883 में इक्लर इज अ बॉटनिस्ट क्लासीफाइड द किंगडम प्लांटिया। इक्लर बोलना नहीं दैया, ध्यान रखना मेरे प्रोनाउंसिएशन में बघा माझ्या प्रोनाउंसिएशनमध्ये प्रॉब्लेम असला, कृपया करून त्याला आप तुम्ही साईडमध्ये ठेवा, आता फक्त आयएमपीवर फोकस करा, ओके। तर नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, थेलोफाइटा, दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वॉटर। पहिले ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कौन सा प्लांट वॉटर में ग्रो करता है, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के अंदर कौन आता है, अलगाई आती है, और कौन आती है, फंगाई आती है। एग्जाम्पल याद करके जाना, स्पायरोगैला, यूलोथेरिक्स, यूलवा एंड सर्गेसम। और फिर यहाँ पे दिस प्लांट्स यूजुअली हैव सॉफ्ट एंड फाइबरस लाइक बॉडी, ये आता है, डॉट डॉट प्लांट हैव सॉफ्ट एंड फाइबरस लाइक बॉडी, तो आप लिखोगे थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के प्लांट के अंदर कौन सी बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है, सॉफ्ट, ध्यान रखना सॉफ्ट एंड फाइबरस लाइक बॉडी होती है इसके अंदर, थेलोफाइटा के अंदर, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट भैया ये स्पायरोगैरा का डायग्राम करके जाना, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, फिर ये क्या है, राइनोडस सेल वॉल है, स्पायरल क्लोरोप्लास्ट है, ये जरूर करके जाना। फिर आता ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा दिस ग्रो प्लांट इन द एम्फीबियंस, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस, मतलब पानी के अंदर भी रहते हैं, जमीन के अंदर भी रहते हैं। नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, डॉट डॉट प्लांट्स आर एम्फीबियन, ब्रायोफाइटा। डॉट डॉट प्लांट नीड्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा। इनके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजॉइड्स, रूट लाइक रिजॉइड्स। एग्जाम्पल मॉस फुनेरिया वाला याद करके जाना मेरे भाई, ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, ये रिसिया वाला एक पढ़ लेना, और ये फुनेरिया वाला पढ़ लेना, लवकर लवकर टिक कर करत जा, फटाफट माझ्या बरोबर करा लवकर, ये वाला डायग्राम जरूर करना फुनेरिया का, ये पूरा डायग्राम लवकरात लवकर फटाफट। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, देखो क्रिप्टो गेम्स के अंदर आता है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये बेचारे बारे काफ़ी गरीब है, इसमें से जो टेरिडोफाइटा होता है ये थोड़ा सा डेवलप होता है, मतलब इसके पास होता है सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, बट दे डू नॉट बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट। क्रिप्टो गेम्स के अंदर टेरिडोफाइटा के पास टिश्यू है वाटर एंड फूड को कंडक्ट करने के लिए, बट दे डू नॉट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, फ्रूट्स और फ्लावर उनमें नहीं दिखते हैं। एग्जाम्पल्स होता है फंस, दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्रिप्टो गेम्स के अंदर ओनली टेरिडोफाइटा जो स्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, क्रिप्टो गेम्स के अंदर ब्रायोफाइटा और थेलोफाइटा भी स्पोर किससे करते हैं, लेकिन क्रिप्टो गेम में टेरिडोफाइटा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है विद द जायगोट फॉर्म करता, क्या फॉर्म करता, जायगोट। वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ये फन वाला एक बार एग्जाम्पल देख लेना, डायग्राम की जरूरत नहीं है। ऑल दिस प्लांट रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स सारे के सारे स्पोर फॉर्मेशन करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फिनेरोगेम्स, प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स में दो जन आते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और ये सारे रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास सीड्स, इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोड्यूस सीड, एंड ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनका सीड कवर है तो उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म, मतलब सीड फ्रूट्स के अंदर है, अगर सीड उसका बाहर है तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। इतना समझ में आ गया, आगे एक मिनट जिम्नोस्पर्म, साइकस आता है,
हिबिस्कस और लिली इसके अंदर आता है, एग्जाम्पल साइकस हिबिस्कस लिली। सीड ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव एनी नेचुरल कवरी, सीड फूड के बाहर होता है, एग्जाम्पल साइकस वगैरह ये एग्जाम्पल करना। एंजियोस्पर्म फ्लावर दिस प्लांट बियर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भाई इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। दिस सीड्स आर कवर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, सीड्स होता है इनका कवर। ये डायग्राम कर, ये पूरा चार्ट करके जाना भाई, डाइकोटिलेडॉन मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन मोनोकोटिलेडॉन करके जाना करके जाना करके जाना। टू कोटिलेडॉन सिंगल कोटिलेडॉन, रूट मतलब किसे होते हैं, रूट होते हैं इसके किस टाइप के होते हैं, टैप रूट, इसके फाइब्रस रूट, इसके स्ट्रॉन्ग हार्ड, इसके होते होलो। बनाना केला का झाड़ देखा, उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, मतलब हल्का होता है ठीक है ना वजन में, ये कैसा होता है हार्ड होते हैं। बनियान ट्री वगैरह का स्टेम देखा, हार्ड होता है पूरे लकड़े का होता है। लीफ रेक्टिकुलर वेनेशन, इसका होता है पैरेलल वेनेशन, लीफ का वेनेशन याद रखना क्या होता है पता होगा आपके टीचर विचर ने बताया होगा आपको। फ्लावर में चार पांच पेटल होते, तीन पेटल होते, बस आगे बढ़ते। किंगडम प्लांटिया का ये क्लासिफिकेशन, क्रिप्टोगम एंजियोस्पर्म, सॉरी क्रिप्टोगम्स फिनेरोगम्स, क्रिप्टोगम्स के अंदर थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा एम्बिबियन अभी बताया था मैंने, सॉफ्ट फाइब्रस रूट वाला बताया था, टेरिडोफाइटा डेवलप है थोड़ा सा, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म नंगा सीड, एंजियोस्पर्म कवर सीड, एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलेडॉन मोनोकोटिलेडॉन, ये भैया करके जाना। डाइकोटिलेडॉन का मतलब ऐसा सीड रहता है, देखो ऐसा आपने सीड देखा होगा जिसके अंदर बीच में ऐसा खाचा रहता है, तोड़ेंगे दो पार्ट। मोनोकोटिलेडॉन मतलब बीच में ऐसा खाचा नहीं रहेगा, ऐसा एक नॉर्मल सीड रहेगा। समझ में आ गया आपको, एक्सरसाइज तो प्लीज यार एक बार रीड करने में क्या जाता है। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, पहला प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जांपल सबको पता है यार, ग्रास होपर मतलब जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, कौन से होते हैं, ग्रास होपर एलिफेंट, दे आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी का एग्जांपल अपेक्स कंज्यूमर का एग्जांपल, और ओमनीवरस में कौन आता है, इंसान, बियर, फीड्स ऑन हर्बीवरस कार्निवरस प्रोड्यूसर, ध्यान रखना ये सब पे खा, सबको खा जाते हैं, ये सिर्फ अपेक्स को नहीं खाते हैं। समझ में आ गया आपको, ध्यान रखना। नेक्स्ट 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 आईएमपी, देखो भाई आईएमपी के साथ और कुछ करके जाना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल का डेफिनेशन क्या होता है, देखो इकोसिस्टम में जो है मेरा हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, मैं सच बता रहा हूँ, दो दिन से वीडियो बना के वाट लग गए, लेकिन आपने जो सपोर्ट दिखाया है ना उसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ऐसे लग रहा है 9-9 आवर्स में अब तक काम भी कर रहा हूँ, मेरा जॉब भी है, कोचिंग भी है, स्टूडेंट्स भी संभालने हैं और यूट्यूब भी संभालना है, सब हो रहा है इस लगभग दिन के 15 घंटे मेरे जा रहे हैं, 8 घंटा बाहर में काम करता हूँ, जॉब दूसरे लोगों के लिए, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ और आप सपोर्ट तो बहुत दिखा रहे हो, ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं मुझे। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल का मतलब देखो ये एनर्जी लेवल दिख रहा है, ऑल प्रोड्यूसर सारे सारे घास वगैरह इसके अंदर आती है ट्रॉपिक लेवल में, फिर हर्बीवरस उन घास वगैरह को खाने वाले ये घास वगैरह, फिर कार्निवरस हर्बीवरस को खाने वाले, फिर ओमनीवरस जो सबको नीचे खा सकते हैं बराबर। तो ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, ये लेवल दिख रहा है ये लेवल, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द फूड इन द चेन, ट्रॉपिक लेवल मतलब अपना ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म नीचे वाले से अपना खाना खाते रहता है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एट लोअर लेवल टू द टॉप, जैसे जैसे नीचे से अपन ऊपर जाएंगे ना एनर्जी का लेवल घटते जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, यहाँ पे थोड़े कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, बात समझ में। शेर चित्ता जंगल में कम रहते हैं, लेकिन उसकी जगह पे बियर वगैरह जंगल में क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ठीक है ना। तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी घटते जाएगा, तो प्लीज़ ये कर लेना, पिरामिड ऑफ एनर्जी कर लेना मेरे भाई, पिरामिड ऑफ एनर्जी कर लेना। 10% एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटते जाएगी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, भाई कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना कर लेना एक्वाटिक इकोसिस्टम का। नेक्स्ट गैसियस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल, थोड़ा थोड़ा कर लेना टाइम मिला तो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा नॉट। कार्बन साइकिल कर लेना भाई, सर्कुलेशन रिसाइकलिंग कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर टू द लिविंग, मैं इसका कॉन्सेप्ट ये जो सब लिखा हुआ है ना एक बार रीड करना मेरे भाई लोग, कार्बन साइकिल में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, कार्बन साइकिल का सिंपल फंडा है यार, क्या होता है प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब खाता है, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फोटोसिंथेसिस किया, खाना बनाया, उसको किसने खाया, उसको खाया हमारे हर्बीवरस ने खाया, हर्बीवरस को कौन खाएगा, कार्निवरस खाएगा ठीक है ना, कार्निवरस को खाए, कार्निवर इन दिस वे द बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर, इस तरीके से जो खाद्य कार्बोहाइड्रेट एक
कार्बन ट्रांसफर होते जा रहा है। ट्रांसफर कार्बन होने के बाद किसके पास पहुंचेगा? अपेक्स कंज्यूमर, जब किसको खाएगा? अपेक्स कंज्यूमर, यहाँ पे हार्बीवरस को खाएगा अपेक्स कंज्यूमर। उसके अंदर अपेक्स कंज्यूमर के अंदर कार्बन आ गया, जब अपेक्स कंज्यूमर मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज करेगा। कौन करेगा? बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? जब भी कोई एनिमल मरता है, डिकम्पोज होता है, उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कार्बन, वापस आ गया कार्बन इकोसिस्टम के अंदर। इस तरीके से कार्बन साइकिल चलते रहता है। मेन प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल करके जाना कैसे आएगा मैं बताता हूँ। डब्बे के फॉर्म में आएगा भाई, ये डब्बे के फॉर्म में। यार कल अगर आ गया ना तो मैं पक्का एनालिसिस का पेपर बनाऊंगा, और नहीं आया तो ऐसा मत बोलना यार कि सर आपने बताया नहीं आया। देखो कभी कभी हर तुक्का नहीं लग रहा, लेकिन अब तक जितने तुक्के लगाए ना लग रहे, ठीक है। तो कभी कभी अपने आप पे विश्वास करो, ऐसा मत पूछा करो सर क्या यही पेपर आएगा क्या। बुरा लगता है यार, ऐसा लग रहा पेपर मैं ही सेट कर रहा हूँ। स्कूल वालों से मेरी दोस्ती है, मेरे को बता रहे भाई ये पेपर आएगा, बता दे बच्चों को। ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं बता सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ऐसा मत पूछा करो यही पेपर आएगा, और अगर पता भी हो ना तभी भी मैं शेयर नहीं करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ रट रट के जाओ और मार्क्स लेके आओ, ये तो हो नहीं सकता। नाम भी क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड, फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इन सारे एक्टिविटीज से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो होगा एबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह से एबायोटिकली फॉर्मेट में दिया। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम। ये एक बार पढ़ लेना आप लोग। ऑक्सीजन साइकिल प्लीज थोड़ा सा रीड कर लेना, ऑक्सीजन साइकिल थोड़ा सा रीड कर लेना यहाँ पे, नाइट्रोजन साइकिल रीड कर लेना। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स इन थ्रू द एटमोस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अमोनिफिकेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्राइड एंड देन नाइट्रेट। डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इंटू द गैशियस नाइट्रोजन। प्लीज ये चारों पॉइंट में से एक पक्का आएगा यार, एक पक्का आएगा, प्लीज ये कर लेना, ठीक है ना। अभी रात भर 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाई कर लो बढ़िया से। यूजफुल हार्मफुल माइक्रोब्स का मैं नहीं दे रहा हूँ, प्लीज आप इसका एक्सरसाइज पढ़ के जाना। मेरा इसमें कमांड नहीं है तो मैं उस पर काम ही नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरे को बेस्ट आता है मैं उसको आपको बताऊंगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पहला, वेदर रिलेटेड क्लाइमेट फैक्टर एक बार कर लेना भाई, बहुत इजी है, देखने में क्या जाता है। डब्बा आ गया तो ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट, 23 मार्च इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो ये डेट करके जाना। कर लिया। मेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट दे स्टडी द इनर इंटररिलेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। क्लाइमेट के बारे में सिंपल है, पंडा स्टडी करना मतलब होता है मेट्रोलॉजी। क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें आती है, क्या आती है? नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप धीरे बोला करो, देखो एग्जाम चल रहा है, इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे कल जॉब पे जाना, वापस आना है घर पे वीडियो बनाने, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता, इसके लिए फटाफट बोलना। और जब अपने नॉर्मल लेक्चर आएंगे तब मैं धीरे धीरे ही बात करता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आपने कुछ लेक्चर देखे भी होंगे, अभी मैंने साइंस 2 के वगैरह लेक्चर अपलोड भी किए, आप वहाँ पे जाके देख लो, सॉरी मैथ्स 2 के वगैरह देख लेना। हेड ऑफिस कहाँ पे है मेट्रोलॉजी का? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पुणे के अंदर, ये कर लेना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है? प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन टू द अदर डिपार्टमेंट लाइक एविएशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर और इरीगेशन, मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ये सब उसके काम है। तो वो एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, आ गया तो आ सकता है ना थोड़ी सारी इसके लिए। अभी और देखते हैं यार, और मैंने कुछ करके रखा तो प्लीज़ वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से आता ऑड मैन आउट भाई। आपको डोमेस्टिक वेस्ट के 3 एग्जांपल दे देंगे और चौथा एग्जांपल आपको दे देगा रेडियो एक्टिव वेस्ट का, और पूछेगा भाई ऑड मैन आउट पहचानो। तो इसके जो भी एग्जांपल्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल, पिगमेंट्स, लग, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं। हजार्डस वेस्ट में क्या क्या आता है? इन्फेक्शन ऑफ मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वेरियस इंडस्ट्रीज, ये वाला आ जाएगा। तो ये सब एक बार आप रीड कर लेना। बायोलॉजिकल वेस्ट में क्या क्या आता है? बैंडेज आता है, ड्रेसिंग्स आते हैं। मैंने साइंस 2 के वीडियो की लिंक, पेपर की लिंक यूनिट टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ एक बार वो कर लेना। साइंस 2 के और कुछ वीडियो भी है, वो भी आप लोग करके जाना, ठीक है ना। मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसका डिफरेंस आ सकता है, मैं बता रहा हूँ इसका डिफरेंस आ सकता है, प्लीज़ ये करके जाना। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जस्ट रीड इट। नेसेसरी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जरूर करना, जस्ट रीड इट नहीं, जरूर करना। फिर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कैसे करता है, सॉलिड सेफ लैंड फील साइट होनी चाहिए,
वर्मी कंपोस्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, कंपोस्टिंग का मेथड यूज़ करते हो, तो ये आप एक इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट तरीके है, तो ये सारे प्लीज़ आप करना। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, ये वाला करना, ये जरूर करके जाना। 3R मंत्रा क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ये डायरेक्ट आ सकता फिलिंग द ब्लैंक्स में वगैरह में, तो ये कर लेना एक बार, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का। हाँ, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। भाई कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी आप नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर, आप उसको सबसे पहले उसका क्या एयर वे देखोगे, मतलब उसके अंदर जो हवा जा रही है कि नहीं जा रही वो चेक करोगे, उसकी कोई नली ब्लॉक तो नहीं हो गई एयर अंदर जाने की, वो चेक करोगे। बात समझ में आया? भाई वो ब्रीथ कर पा रहा कि नहीं, क्या उसके बॉडी का सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा कि नहीं, ये सारी बातें आपको करनी है। समझ में आ गए? नेक्स्ट, ये पूरा चार्ट एक बार कर लेना, ठीक है। क्यों? हाउ टू ट्रांसफर। देखो क्रेंडल, सॉरी, क्रेंडल मेथड यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवर्ल्ड विक्टिम। भाई क्रेंडल मेथड किसके लिए यूज की जाती है एक बार करना जरूर। कैरिंग पिगी बैग, ये वाला जरूर यूज करना। भाई किसके लिए क्या मेथड यूज करनी है एक बार देख लेना इस तरीके से। और ये वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस और डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस कर लेना। अगर आप इतना करके जाते हो तो पक्का यार, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो पास तो होके आ जाऊंगे, और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा तो टॉप मार जाऊंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। और बस यार, अभी आपको ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा मांगने की जरूरत नहीं, आपने बहुत दिया कम समय मेरे को। सब्सक्राइब करते रहो एंड और मुझे यार फीडबैक देते रहो, क्योंकि मैं नया हूँ, कुछ कुछ मेरे से गलती हो जाती है, तो उस पर डायरेक्ट रिएक्ट मत करो, माफ़ कर लिया करो, ठीक है ना, अपना बड़ा भाई समझ के। और कमेंट करते रहो और मुझे फीडबैक देते रहो, सर ये मत करो, वो मत करो, आप ये अच्छा नहीं लगता वीडियो में, ऐसा मत बोलो, जो भी आपको बुरी बातें लग रही है वो बताओ, तो उससे कैसा होगा, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वीडियो की वो भी आप देख लेना, ठीक है।